बालाघाट जिले के तहसील किरनापुर अंतर्गत आने वाले ग्राम सारद सहित आसपास के सैकड़ों ग्रामीण किसानों ने रबी की फसल के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिलने की समस्या को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने बताया कि सारद ग्रामीण क्षेत्र के सभी किसानों को रबी की फसल के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण फसल सूख रही है। बिजली विभाग द्वारा किसानों को बिजली कटौती के संबंध में विभाग के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे किसानों ने अपनी व्यवस्था के साथ रबी की फसल की बुआई की है। अब किसानों को सिंचाई के लिए मोटर पंप चलाने में अधिक समस्या आ रही है और खेती का बजट बढ़ गया है। वर्तमान समय में बिजली विभाग द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 6 और रात में 4 घंटे बिजली दी जा रही है। इसमें भी हर आधे घंटे बाद कटौती की जाती है। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर बालाघाट से मांग की है कि वे बिजली विभाग को तत्काल आदेशित करें कि रबी फसल के लिए मार्च 2022 से जून 2022 तक किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाएं। हमको सर महाकर मिल जाए और यदि दो महीने अगर लाइट सही नहीं मिलती तो सर बहुत नुकसान होगा ना सर, हम तो मर जाएंगे सर किसान। हम लोग एक एकड़ के पीछे 25-30 हजार रुपए लगा के लिए। आपने जितनी अभी मेहनत लगी है वो भी आपकी डूब जाएगी। डूब जाएगी सर। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग ये सर कि हमको कम से कम दो महीने के लिए सर पर्याप्त बिजली दी जाए। क्या नाम है आपका? जिला बालाघाट। बताएंगे क्या स्थिति है अभी रबी में लाइट पानी सर? हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि सर हमारी जो लाइट कटौती हुई है सर, ये फरवरी महीने में हुई है सर, और हम सर किसान है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं सर। हमारे यहाँ सर रबी लगी है सर ये 12 महीने में जनवरी महीने में। उस समय सर 24 घंटा लाइट थी सर। सर हमने सर 24 घंटे की लाइट के हिसाब से सर अपने खेतों में रबी लगाए सर, और आज लाइट सर 8 घंटे हो गई है, पर 8 घंटे में भी सर वो लाइट हमको 4 घंटे में दी जा रही है अभी। और पहले दिसंबर जनवरी तक पूरे बालाघाट जिले में 24 घंटे बिजली दी जाती थी। किसानों ने 24 घंटे बिजली मिलती थी, इस हिसाब से हमने रबी फसल की तैयारी की, क्योंकि रबी फसल जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट हफ्ते में लगाई जाती है। जब फसल लग गई थी इन्होंने 12 घंटे किए, 12 घंटे के बाद इन्होंने फिर 8 घंटे किए, और जो 8 घंटे बिजली है 8 घंटे में भी कटौती करके 2-3-4 घंटे मिलती थी, कभी बिजली रहती नहीं। तो यहाँ नहीं पूरे बालाघाट और सारद के जो किसान सैकड़ों किसान, ऐसी बालाघाट जिले की सभी किसानों की समस्या है। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।